फ्रेंड्स वेलकम टू विजय व्लॉग। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे प्यारी सी बात। एक पुत्र हुआ। बाली क्या खबर लाई हो? महाराज आपको एक पुत्र हुआ। पुत्र हुआ है? जी महाराज। देवकी तो ठीक है ना? हाँ जी महाराज ठीक है। आपको राज दरबार चलना पड़ेगा। मैंने बड़े भैया को वचन दिया है कि जो भी संतान होगी मैं आपके कदमों में लाके डाल दूंगा। संतान तो हो गई, अब मुझे बच्चे को लेकर राज दरबार जाना होगा। भाई तुम चलो, चलो हम देवकी के पास आते हैं, क्योंकि मैंने वादा किया है कि जो भी संतान होगी हम आपके कदमों में लाके डाल देंगे। लेकिन देवकी क्यों? देवकी को जीवन दान दे दो भैया, इसलिए अब उस मुन्ने को लेकर हम महाराजा दर्श के पास जाएंगे। देवकी ये पुत्र मुझे दे दो, क्योंकि मैंने बड़े भैया से वादा किया है कि जो भी संतान पैदा होगी हम आपके चरणों में लाके डाल देंगे। इसलिए इस पुत्र को लेकर हमें राज दरबार जाना होगा। नहीं स्वामी, ये बच्चा हम आपको नहीं दूंगी। नहीं स्वामी, ये बच्चा हम आपको नहीं दूंगी। देवकी तुम खुद सोचो कि तुम्हारा जीवन दान मैंने बड़े भैया से उधार लिया है। अगर हम इस बच्चे को लेकर राज दरबार नहीं जाएंगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे, बड़े भैया क्या सोचेंगे? इसलिए देवकी मुझे ये बच्चा दे दो। क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है जो इस बच्ची को ले जाओगे? पत्थर का तो नहीं है देवकी, लेकिन बात तो वादे की है। मैंने बड़े भैया से तुम्हारा जीवन उधार मांगा है कि जो भी संतान होगी मैं आपके चरणों में लाके पेश कर दूंगा। इसलिए देवकी मुझे इस बच्चे को लेकर राज दरबार जाना होगा और ये बच्चा मुझे दे दो। ये बच्चा मुझे दे दो देवकी, ये बच्चा मुझे दे दो। बड़े भैया मैंने आपसे जो वादा किया है कि देवकी के जो भी संतान होगी मैं आपके पास लाकर दे दूंगा आपको। कुमार देव, तुमने अपने वादे के मुताबिक इस बच्चे को हमारे पास लेके आओ। इसका नाम क्या रखा हुआ है तुमने? महाराज इसका नाम कीर्ति रखा है। क्या कीर्ति? कुमार वसुदेव जाओ, हमको इस संतान से कोई भय नहीं, हमको देवकी के आठवें संतान से भय है और इस संतान से भय नहीं, हम इसे जीवन दान देते हैं। ले जाओ स्वास्थ्य से, ले जाओ कुमार वसुदेव इस संत बच्चे को ले जाओ और स्वास्थ्य से जीवन भी दे दो। लेकिन देवकी के आठवें संतान से हमें बहुत भय लगता है, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे।
ले जाओ सब चले जाओ। आओ महामंत्री जरूर आओ कहो महाराज आप तो आज इतना चिंतित क्यों लग रहे हो कहो चारूल से क्या बात है मंत्री चारूल हमारे समझ में आता नहीं वह कुंभवसदेव उस बालक को लेकर आए थे हमारे पास पर हमको तो एक पहले संतान से कोई तकलीफ नहीं है इसीलिए हमने उसका जीवन दान दे दिया है बहुत बड़ी भूल कर दिया महाराज बहुत बड़ी भूल कर दिया आपने देवकी के संतान को वापस कर दिया बहुत बड़ी भूल कर दिया देवकी का वरदान था कि आपका आठवां संतान आपका काल होगा आठवें संतान में कोई भी संतान हो सकता है आपका काल आपने बहुत बड़ी भूल कर दिया क्या महाराज कुछ हमारे समय में आपकी बात अभी आई नहीं है महाराज देखो ये पांच अंगुलियां है महाराज पांच अंगुलियां है ना हाँ। इस तरफ से आप गिनती करोगे उस तरफ आठ होंगे और उस तरफ से गिनतियां करोगे तो इस तरफ आठ होंगे आठ संतान में कोई भी संतान आपका काल हो सकता है महाराज क्या बहुत बड़ी भूल कर दिया नहीं हम देवकी के बच्चे को जीवित नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वाह वसुदेव वाह चारूल वाह चारूल तुमने बड़ी चाबासी का काम किया है जो आज हमारी आंखें खोली और महाराज देवकी के अरे चारूल नहीं छोड़ूंगा जाओ अभी हम चलते हैं और उसका वाश कर देते हैं नहीं बचना चाहिए अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो देवकी का एक भी बच्चा ना चारूल तुमने बड़ी समझदारी की बात मुझसे बतलाई है अब देवकी का कोई भी संतान जीवित नहीं बचेगा ये महाराज कंस का हुक्म है चलते हैं यमुना तट पे और देवकी के आठवें संतान को हम मृत्यु लोक पहुंचा देते हैं हेलो
देवकी, देवकी इतनी उदास क्यों हो? बड़े भैया ने मेरे बच्चे को जीवन दान दे दिया है और कहा है कि जाओ इसे पालना पोसना, ये रहा तुम्हारा बच्चा, लो जीवन का व्यापन होगा,
जैसी आज्ञा महाराज। इनको कारागार में लेके आओ। लेके आओ और कारागार में डाल दो। यहाँ पे इतने दरबारी इकट्ठा कर दो, पहरा काम नहीं होना चाहिए। अगर देवकी और वसुदेव भागने की चेष्टा करें तो इनको यहाँ बंदी बनाने में समेत पहरेदारों का ही काम होना चाहिए। चारों यहाँ की निगरानी आज से तुम करोगे। जैसी आज्ञा महाराज।